हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि होममेड रोली कैसे तैयार किया जाता है। हाँ फ्रेंड्स, आज मैं आपको केमिकल फ्री होममेड रोली बनाना सिखाऊंगी, जो कि बहुत ही आसान तरीका से आप घर पे रोली बना लीजिएगा। कभी कभी होता है कि पूजा पाठ में हम लोग पूजा करने जाते हैं और पता चलता है कि रोली खत्म है, तो आप तुरंत इसे तैयार कर सकते हैं और इसे स्टोर भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे वीडियो पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है। अगर कुछ भी गलती होती है तो उसे भी कमेंट करके बताइएगा, मैं सुधारने की कोशिश करूँगी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मैं ले ली हूँ मार्केट का रोली, थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए कि इसी टाइप का रोली मैं आपको बना के दिखाऊंगी होममेड की कैसे बनता है, इसका रेड कलर भी कैसे होता है। फ्रेंड्स, मार्केट में कभी कभी होता है कि केमिकल वाला भी मिलता है, मैं आपको केमिकल फ्री बताऊंगी, इसलिए आप मेरे वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं ले ली हूँ थोड़ा सा हल्दी एक प्लेट में, आप देख रहे हैं ये हल्दी है। आप मार्केट से जो हल्दी लाते हैं आप वो भी ले सकते हैं, नहीं तो आपके पास सूखा अगर हल्दी है तो आप उसे मिक्सी जार में पीस करके ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फ्रेंड्स सूखा वाला हल्दी को पीस के ली हूँ और उसे अच्छे तरीके से कॉटन के कपड़ा से चाल के उसके बाद ली हूँ। मैं इसी हल्दी से आपको बताऊँगी कि केमिकल फ्री रोली कैसे बनाया जाता है और कैसे आप रोली देखिएगा, आपको लगेगा कि सेम टू सेम इस हल्दी से रोली बन के तैयार होगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं हल्दी ले ली हूँ, आपको अच्छी तरीके से दिखा रही हूँ। यहाँ पे मैं कुमकुम ली हूँ जो कि मार्केट का है। अब मैं आपको क्या करूँगी, मैं बताती हूँ इस कैसे मैं रोली तैयार करूँगी। तो उसके लिए फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले एक वाइट कलर का प्लेट ले ली हूँ। आप कोशिश कीजिएगा कि वाइट प्लेट ही लेने का, क्योंकि कुमकुम का कलर रेड होता है फ्रेंड्स, तो इसलिए मैं वाइट ली हूँ जो उसके ऊपर पता चलेगा मुझे कलर। अब मैं क्या करूँगी, थोड़ा थोड़ा करके 2 चम्मच इसमें हल्दी ले लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ 2 चम्मच हल्दी ले ली हूँ। अब आप चम्मच से हल्दी पे प्रेस डालिएगा, जिससे कि उसमें थोड़ा सा गुठली टाइप का जो होता है वो सब क्रश हो जाएगा, सब टूट जाएगा, इसमें मिल जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, जिस तरह से मैं कर रही हूँ आप उसी तरह से कीजिएगा। और आपको और भी बनाना है फ्रेंड्स तो आप और भी हल्दी ले सकते हैं, मुझे थोड़ा सा बनाना था तो मैं थोड़ा सा ली हूँ। अब मैं क्या करूँगी फ्रेंड्स, मैं इसमें नींबू डालूंगी। हाँ फ्रेंड्स, मैं इसमें नींबू डालूंगी, आप देख रहे हैं मैं यहाँ पे आधा कटा हुआ नींबू ली हूँ, जो कि काफ़ी है। अगर आप ज़्यादा बनाइएगा तो आप एक नींबू पूरा लीजिएगा। अब क्या कीजिएगा, इसके सारे जूस को इस चम्मच पे डाल लीजिएगा पूरे अच्छे तरीका से, जिस तरह से मैं कर रही हूँ आप भी उसी तरीका से पूरे अच्छे तरीका से चम्मच पे इसका रस गाड़ लीजिएगा। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे 1 चम्मच मेरा रस हुआ है। अगर आप हल्दी ज़्यादा लीजिएगा तो उस हिसाब से नींबू का रस भी लीजिएगा। आप इसे अच्छी तरीका से मिला लीजिएगा, मतलब नींबू के रस को पूरे हल्दी में मिला लीजिएगा अच्छी तरीका से। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं अच्छी तरीका से मिला रही हूँ। अगर आपको थोड़ा सा सूखा ड्राई ड्राई लग रहा है हल्दी, तो आप उसमें और भी ड्रॉप डाल सकती हैं, जैसे कि मैं डाल रही हूँ। अब मैं इतना ली हूँ तो मैं इसके लिए हाफ नींबू ली हूँ। आप अगर हल्दी और लीजिएगा तो आप पूरा फुल नींबू लीजिएगा, जिससे कि पूरा अच्छी तरीका से रस उसमें जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं और थोड़ा सा ले ली हूँ। अब मैं इसे अच्छी तरीका से मिला रही हूँ। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे काफी मात्रा में ये इसने जो मैंने नींबू डाला था वो हल्दी और नींबू की तरह ये हो गया है, हल्का हल्का नींबू उसमें पूरे हल्दी में चल चुके हैं, आप देख रहे हैं थोड़ा गीला गीला हल्दी हो गया है। अब मैं क्या करूँगी फ्रेंड्स, मैं आपको वो ट्रिक बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं ली हूँ थोड़ा सा चूना। हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं थोड़ा सा चूना ली हूँ, इसी चूना से मैं आपको हल्दी कुमकुम बनाना दिखाऊंगी हल्दी से। देखिए फ्रेंड्स, चूना लेके आप क्या कीजिएगा, उसमें पानी डाल लीजिएगा। आपके पास गीला चूना है तो आप गीला डाल सकते हैं, ड्राई है तो उसे आप पानी में डाल दीजिएगा, वो घुल जाएगा। उसके बाद आप इसे अच्छी तरीका से अपने उंगली से पानी और चूना को एक कर दीजिएगा। चूना थोड़ा सा उसमें नहीं रहना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि क्या होता है कि रोली सूखने के बाद अगर चूना उसमें रहेगा तो फिर उसे ड्राई करने के बाद उसमें पाउडर वाइट वाइट निकलने लगेगा, इसीलिए आप चूना को अच्छे तरीका से घोल लीजिएगा। आप इसमें देख रहे हैं फ्रेंड्स कि हल्दी में चूना का पानी जाते ही ये किस तरह से अपना रंग चेंज कर रहा है, ये येलो से रेड हो रहा है,
जो कि परफेक्ट कुमकुम का कलर है, परफेक्ट रोली का कलर है, इसी टाइप का कलर आता है मार्केट में भी। और मार्केट में जो फ्रेंड्स आता है उसमें थोड़ा सा कलर भी मिलाया जाता है, और ये जो मैं आपको बता रही हूँ पूरा प्योर है। ये इस टाइप से कुमकुम आप ज़रूर बनाइएगा, काफ़ी अच्छा लगेगा, केमिकल फ्री भी है। आप देख रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पे मैं कितने अच्छे तरीके से इसमें चारों तरफ चूना का पानी मिला ली हूँ, और इसमें पहले से मैंने नींबू भी डाल रखा था जिसका भी ये असर हो रहा है। देखिए फ्रेंड्स आप इसे हाथ से भी कर सकते हैं, फ्रेंड मैं स्पून का यूज कर रही हूँ, आप हाथ से भी कर सकते हैं, पूरा अच्छा तरीका से इसे एक जगह कर सकते हैं, रेड कर सकती हैं। देखिए फ्रेंड्स जिस तरह से मैं कर रही हूँ इसे अच्छे तरीका से आप फ्रेंड्स ऐसे करके मल के एक एक को पूरा चारों तरफ से देख रहे हैं फ्रेंड्स। मैंने एकदम स्मूथ सा ये पाउडर है वो बना के रखा है, इसे पूरा अच्छे तरीका से मिलाकर और इस तरह से प्लेट में फैलाकर आप इसे धूप में डाल सकती हैं। अगर आपके इधर धूप है तो आप इसे धूप में डाल दीजिएगा तो वहाँ पे भी तैयार हो जाएगा, और नहीं तो आप इसे पंखा के नीचे भी ट्राई कर सकती हैं। देखिए फ्रेंड्स मैं इसे धूप में डाल दी थी, अब मेरा पाउडर पूरा ड्राई हो चुका है। अगर आपके पास अच्छा मिक्सर जार है जिसमें आपने मसाला नहीं पीसा है आप उसमें डाल के इसे पाउडर बना सकती है, नहीं तो कोई भी कॉटन का कपड़ा डाल के और इसे अच्छे तरीका से चाल कर इसका जो पाउडर बनेगा उसे आप ले सकती हैं और पूजा पाठ में यूज कर सकती हैं। आई होप कि फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आएगा, अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, मुझे भी सपोर्ट कीजिए। फ्रेंड्स मैं अभी न्यू हूँ, मैं इसी तरह की और भी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ फ्रेंड्स, तो आप ज़रूर देखिएगा। मैं फिर से मिलूंगी फ्रेंड्स एक न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।